हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ के बारे में। इस सीरियल में करणवीर शर्मा, अदिति शर्मा और ऋचा राठौड़ प्ले करते हैं मेन लीड्स। तो रिसेंटली ये सीरियल को मंडे टू संडे कर दिया गया है, यानी कि हफ्ते के सातों के सात दिन ये टेलीकास्ट होगा और आप मंडे टू संडे इसे इन्जॉय कर पाएंगे। तो ये तो थी गुड न्यूज़ इस सीरियल के फैंस के लिए। अब कुछ बैड न्यूज़ है हमारे पास। तो गाइज़, वो बैड न्यूज़ ये है कि रब से है दुआ अब ऑफ एयर के डेंजर में आ चुका है, यानी कि अंडर स्कैनर आ चुका है, अब डेंजर जोन में आ चुका है। यानी कि फ़िलहाल के लिए सीरियल को ऑफ एयर का नोटिस ऑब्वियसली नहीं गया है, शो की शूटिंग नॉर्मली चल रही है, लेकिन जी टी वी इसके आने वाले हफ्तों की टीआरपी को मॉनिटर करेगा। अगर आने वाले की हफ्ते में जो टीआरपी वगैरह आएगी अगर वो बढ़ती है तो ठीक है, लेकिन अगर टीआरपी में कोई भी बदलाव नहीं आता है या फिर टीआरपी में कोई भी इंक्रीज़ नहीं आता है तो सीरियल को ऑफ एयर का नोटिस भेज दिया जाएगा, यानी कि सीरियल को बंद करने का जो नोटिस है वो मेकर्स तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी के लिए जी टी वी ने सीरियल को कोई भी ऑफर का नोटिस वगैरह नहीं भेजा है। ये सब डिपेंड करेगा आने वाले हफ्तों की इसकी टीआरपी में कि ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसकी व्यूअरशिप वगैरह में इंक्रीज़ आ सकता है या फिर नहीं। अभी के लिए कुछ हफ्तों के लिए वेट किया जाएगा, अभी के लिए सीरियल ऑफर नहीं किया जा रहा है। कुछ हफ्ते हैं इसके पास परफॉर्म करने के लिए। बिग बॉस भी ख़त्म होने जा रहा है, देख लेते हैं उसके बाद इसकी टीआरपी में कुछ बदलाव देखने को मिलता है या फिर नहीं। इससे पहले जो सीरियल आ रहा था संजोग, सेम टाइम स्लॉट पे, वो इससे बेटर टीआरपी लेकर आ रहा था, बेटर परफॉर्म कर रहा था, वो भी कम्पीट कर रहा था बिग बॉस के साथ, अनुपमा के साथ, लेकिन बेटर परफॉर्मर था। लेकिन ये जो नया सीरियल है ये उतनी टीआरपी लेकर नहीं आ पा रहा है। करंटली नॉर्मली सीरियल जी टीवी पे 10 बजे के टाइम स्लॉट पे अराउंड 0.8 ले आते हैं, लेकिन ये सीरियल 0.5 लेकर आ रहा है, जिस करके ये ऑफर के डेंजर में अब है। तो सब डिपेंड करेगा आने वाले हफ्तों की टीआरपी में। अगर आप इस सीरियल के फ़ैन हैं इसको जी टीवी पर ही नॉर्मल इसकी 10 बजे की जो रियल टाइम स्लॉट है उस पर देखें, रिपीट टेलीकास्ट वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे ये सीरियल बच सकता है। आने वाले हफ्तों में जब इसको ऑफर का नोटिस चला जाएगा तब भी वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूर कर दीजिए इस सीरियल के फैंस के साथ, ताकि वो इस सीरियल को सपोर्ट करें टीवी पर, अगर आप बचाना चाहते हैं सीरियल को। जी टीवी की सारी अपकमिंग लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें इस सीरियल के बारे में भी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।